हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8th मई के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली रिविज़न कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करें और वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय महिला शूटर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी महिला शूटर काफ़ी पॉपुलर है तो देखिए अपूर्वी चंदेला के साथ साथ आपने सुना होगा मनु भाकर का नाम, ये सभी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पूरे विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने की, तो इस वजह से अपूर्वी चंदेला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में पहला स्थान प्राप्त करने वाली हैं अपूर्वी चंदेला। अब पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया तो ऑब्वियस सी बात है कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया होगा, तो हाँ उनका भी नाम आसे है, उनका नाम है अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए, ठीक है। अंजुम और अपूर्वी बोथ आर क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अपूर्वी चंदेला के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हैं या इमेज किसकी है, यह इमेज है अपूर्वी चंदेला की। अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ है तो इनका जन्म हुआ है जयपुर राजस्थान में, और इन्होंने और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं या कौन कौन से मेडल्स जीते हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम जिसको हम लोग जानते हैं हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल के नाम से, इन्होंने 2014 और 2018 दोनों राष्ट्रमंडल गेम में पदक जीते। हालांकि 2014 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2018 वाले जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा 2019 में जो ISSF न्यू दिल्ली में हुआ था इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं शूटिंग की तो दो नाम शूटिंग में आप ज़रूर याद रखिएगा, एक तो सौरभ चौधरी जो कि यूपी के मेरठ से हैं और दूसरा मनु भाकर, ये कहाँ की हैं, मनु भाकर हरियाणा से हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों भी शूटर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28वें वेनिस बिएनाले 2019 में भारतीय पवेलियन की थीम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा न्यू नेम लग रहा होगा आपको कि वेनिस बिएनाले ये क्या है, ठीक, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये एक तरह का अगर हम लोग बात करें तो आर्ट से रिलेटेड है। किस से रिलेटेड है, कला जगत का सबसे पुराना इवेंट है, कला जगत के जो सबसे पुराने इवेंट है उनमें से एक है, या हर दो साल में एक बार होता है, ठीक। तो इस बार ये कहाँ हो रहा है, या हो रहा है इटली के वेनिस में। और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 8 वर्ष बाद भारत इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक। इसकी शुरुआत कब होगी, तो इसकी शुरुआत होगी 11 मई 2019 को, ठीक है, और ये कौन से नंबर का है, 58वां है। तो हमसे पूछ रहा है कि भारतीय पवेलियन की इसमें थीम क्या है, तो ये बताइए महात्मा गांधी के कौन सी वर्षगांठ पूरी होने वाली है इस बार, तो 150वीं। तो भारतीय पवेलियन की जो थीम है वो भी क्या है, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि 16 हरिपुरा पोस्टर्स प्रदर्शित किए जाएंगे, ठीक है। हरिपुरा के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ के 16 जो पोस्टर्स होंगे उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें तो भारत विश्व के सबसे बड़े कला इवेंट में पवेलियन स्थापित करेगा, और यहाँ पे कौन सा म्यूज़ियम इस पवेलियन को तैयार करेगा, तो किरण नादर म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हालांकि जो हेडक्वार्टर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिएनाले का यहाँ पे ही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि उन्नत भारत अभियान के लिए किस IIT ने ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के साथ समझौता किया है।
तो इसके लिए समझौता किया है आईआईटी कानपुर ने। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने उन्नत भारत अभियान के लिए ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ समझौता किया है। या किसकी पहल है? अब इसी क्वेश्चन में जो मैं बार बार आपको डिटेल पढ़ाती हूँ उसका रीज़न होता है क्योंकि आपने एक क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब मैं आपसे यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछने जा रही हूँ एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। जैसे किस उन्नत भारत अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो अगर मैं आपको ना बताऊँ तो आपको पता नहीं होगा कि इसका सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। इसमें क्या किया जाएगा? तो उसमें यूपी के 15 जो प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान होंगे वो और कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ मिल करके गाँव के विकास के लिए काम करेंगे और इसी के तहत आईआईटी कानपुर ने 5 गाँवों को गोद लिया है। कौन कौन से गाँव हैं? हृदयपुर, बैकंतपुर, ईश्वरगंज, प्रतापपुर और सक्सुरपुरवा। ये 5 गांव हैं जिनको गोद लिया है आईआईटी कानपुर ने। तो गोद लिया तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के आसपास के ये गांव होंगे। तो बिल्कुल सही है, इन्हीं के आसपास के ये गांव हैं। ठीक, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है? उन्नत भारत अभियान से संबंधित। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में INS वेला को भारतीय नौसेना के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह किस प्रोजेक्ट के तहत, भारतीय नौसेना के किस प्रोजेक्ट के तहत INS वेला को लॉन्च किया गया है? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था प्रोजेक्ट 75 के बारे में। भारत ने फ्रांस के साथ मिल करके एक समझौता किया है जिसमें स्कॉर्पिन वर्ग की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो स्कॉर्पिन वर्ग की जो पनडुब्बियाँ होती हैं ये मेनली डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली पनडुब्बियाँ होती हैं। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कि किस देश के साथ समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ किया है। और इसकी जो पहली पनडुब्बी है, 6 पनडुब्बी हमने बनाना है और 2017 में इसकी पहली पनडुब्बी बनी INS कलवारी। क्या नाम था? INS कलवारी, यह 2017 में लॉन्च हुई। इसके अलावा INS खानदेरी, पहला कलवारी है फिर हमारा खानदेरी है, ये भी लॉन्च हो गई। ठीक, अब बचता हमारा INS वेला। इसको अभी अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है, अगर यह परीक्षण में पास हो जाएगा तो इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो किसके तहत लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसके अलावा 2 पनडुब्बी अभी बची हैं। कौन कौन बची हैं उनका नाम याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। एक है वागीर और दूसरा है वागसीर। कौन कौन सा है? वागीर और वागसीर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने भारत और फ्रांस का नाम लिया। भारत और फ्रांस और भी कई वजहों से चर्चा में है जिसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या क्या वजह है? आपको पता है मिशन गगनयान के बारे में, सबको, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे और कोई भी क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक से आता होगा तो मैं आपको मिशन गगनयान के बारे में ज़रूर बताती हूँ। अब देखिए मिशन गगनयान क्या है कि भारतीय स्पेस एजेंसी भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेगी, जिन्हें हम लोग व्योम नॉट कहेंगे। इन वैज्ञानिकों को, 3 वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा, जिनको प्रशिक्षण कौन देगा? फ्रांस देगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में जिसमें भारत फ्रांस की आटोस कंपनी के साथ मिल करके 70+ सुपर कंप्यूटर को डेवलप करेगा। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, 70+, और इसका जो पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बना है परम शिवाय, इसको BHU में स्थापित किया गया है। ठीक, इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 से लेकर के 10 मई तक भारत और फ्रांस के बीच वरुण 19.1 नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। कहाँ पे? गोवा में हो रहा है। तो याद रखिएगा ये सभी भारत और फ्रांस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक समय तक नृत्य करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो यह किसने बनाया है? यह बनाया गया है वंदना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? वंदना के द्वारा बनाया गया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं यह भी जानना जरूरी है। देखिए, यह बिलोंग करती हैं नेपाल से, और इन्होंने कुल कितने देर तक नृत्य किया ये भी जानना जरूरी है। तो लगातार इन्होंने 126 घंटे, जो कि 5 दिन से अधिक इन्होंने लगातार नृत्य किया। बात आती है कि इसके पहले यह खिताब किसके पास था, तो केरल की हेमलता के पास यह खिताब था। किसके पास था? केरल की हेमलता। इन्होंने 123 घंटे 15 मिनट तक लगातार नृत्य किया है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वंदना कहाँ से बिलोंग करती हैं। वंदना नेपाल से बिलोंग करती हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इमेज किसकी है? वंदना की है। ठीक,
अब नेपाल से हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंट के, देखिए नेपाल ने एक 45 डेज का माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक, जिसका उद्देश्य क्या है, माउंट एवरेस्ट पर जो कचरा फैला हुआ है उसको साफ करना, ठीक। अब बात आती है कि इसमें कितने कचरा वापस लिया जाएगा, तो 10,000 किलो कचरा वापस लाया जाएगा, जिसका प्रदर्शन होगा 5 जून, जबकि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो काठमांडू में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 2015 में अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल की जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसमें परिवर्तन आया, इस वजह से इसके लिए एक 5 सदस्यीय टीम भी भेजा था, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन देखिए किया जाएगा फ्रांस में। G7 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यह होगा 24 से 25 अगस्त, कब से कब तक होगा? 24 से 25 अगस्त के बीच में फ्रांस में होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत 2005 में G7 का सदस्य बना था, ठीक। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके G7 के जो सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, ये हैं G7 के सदस्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। राजा जी टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। चर्चा में क्यों है ये, हम लोग इसको इसलिए पढ़े क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारा स्टैटिक जीके का है कि राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। हम लोग इसको इसलिए पढ़े क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? इस जो पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक रोड बन रहा है वाणिज्यिक वाहनों के लिए, एक सड़क बन रहा है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इनको 6 मई को इनको कहा कि ये जो रोड बनाई जा रही है या अवैध है, यह रोड कैसी है, अवैध है। इससे क्या होगा, जो उत्तराखंड में जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से NGT ने इसको अवैध कहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इबोला की वजह से कहाँ पर लोगों की मृत्यु हो रही है? तो इबोला वायरस की वजह से कांगो, जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ आप मैप में देखिए, ये साउथ अफ्रीका का मैप है और यहीं पे पड़ता है कांगो, यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। अब इसी के आसपास मैंने आपको पढ़ाया था, जब 25 अप्रैल को हमने वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया, तो 3 हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने। एक तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी 0 मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। दूसरा, अफ्रीका के मलावी में मलेरिया का टीका लॉन्च किया गया, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा मलेरिया से रिलेटेड भारत ने एक मेरा अभियान लॉन्च किया था, ठीक, जिसमें क्या था कि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एज यूजुअल हम लोग कल के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका रिविजन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी एंड आपको आंसर गेस करना है, ठीक। ये बताइए कि मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को साइबर अटैक से सुरक्षित करने के लिए किस एजेंसी को शुरू किया गया है? तो डिफेंस साइबर एजेंसी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? एडमिरल मोहित गुप्ता, और हेडक्वार्टर होगा इसका दिल्ली में। नेक्स्ट था हमारा कि वेदांत देसिकन की 750वीं जयंती कब मनाई गई? तो 2 मई को मनाई गई है, और इसी के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। नेक्स्ट था हमारा कि इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह है वियना में, और अगर हम लोग बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो भारत की रैंकिंग 140 है, और अगर प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा कि अलीयव प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बजरंग पुनिया, इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता है। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि BSE की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक, BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक कौन बनी है? तो MJ व्यास बनी है। नेक्स्ट हमारा कि टूना दिवस कब मनाया गया? तो टूना एक प्रकार की मछली है, जो कि मनाया गया 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में। फिर था हमारा कि पुलवामा में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो BSNL बनी है।
नेक्स्ट था हमारा और लास्ट क्वेश्चन था कि जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? यूनाइटेड किंगडम बना है विश्व का पहला देश जिसने जलवायु आपातकाल को लॉन्च किया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इसको जो भी आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर किया करें। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आए तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।